जी सर, बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णलाल पवार फर्स्ट प्रेफरेंस में जीते हैं और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। दोनों का मार्जिन बहुत बड़ी बड़ी थिन मार्जिन है और कैलकुलेशन में थोड़ा सा पावर जो अलॉट होती है वोट की उसमें सिर्फ 34 का फर्क है। सर, कांग्रेस के कोई वोट रिजेक्ट हुए हैं? एक वोट रिजेक्ट हुआ। किसका वोट रिजेक्ट हुआ ऐसे थोड़ा पता लग सकता है? क्रॉस वोटिंग हुई है सर, कांग्रेस क्रॉस वोटिंग हुई। वो थोड़ा सा काउंटिंग में कंफ्यूजन था एक्चुअली, और कोई बात नहीं उसके लिए। हाँ नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी सी बैठते हैं ना तो कैलकुलेशन जब करते हैं ना उसमें थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन, क्योंकि उसमें एक वोट इनवैलिड हुआ था वो एक्चुअली उसमें टोटल में काउंट हो गया कि 34 कांग्रेस 2900 पावर मिली उनको और उसको उसको 2934 पावर मिली है। और उनको कार्तिक पवार के 2966